Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Baby Health Guide. दोस्तों, गर्मियों के मौसम में तरबूज बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। ऊपर से हरा और अंदर से लाल रंग का ये रसीला फल हर किसी का मन मोह लेता है। तरबूज का स्वाद सभी को पसंद आता है। गर्मियों के मौसम में बच्चे खासकर तरबूज खाना पसंद भी करते हैं। तपती गर्मियों का मौसम भी शुरू हो चुका है और तरबूज भी बाजार में आ चुके हैं, तो आइए जानते हैं बच्चों के लिए इसके फायदों के बारे में। नंबर एक, तरबूज के पोषक तत्व। दोस्तों, तरबूज में विटामिन ए, सी, बी, फाइबर, पोटेशियम, आयरन पाया जाता है। इस फल में 90% से ज्यादा पानी होता है। वहीं यही कारण है कि ये गर्मियों में सबसे ज्यादा शरीर को हाइड्रेट रखने में हमारी हेल्प करता है। नंबर दो, चलिए अब जानते हैं बच्चों को इसे खिलाने के फायदों के बारे में। नंबर एक, शरीर को रखता है हाइड्रेट। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में तरबूज का सेवन करने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है। इसमें 90% से ज्यादा पानी होता है। यही कारण है कि तरबूज का सेवन शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। नंबर दो, हड्डियों को बनाता है मजबूत। दोस्तों, तरबूज कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है। ये दोनों ही पोषक तत्व बच्चों के लिए हड्डियों का विकास करते हैं। जिन बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं, उन्हें रोजाना 20 ग्राम तरबूज खाने की सलाह दी जाती है। कैल्शियम जैसा पोषक तत्व होने की वजह से तरबूज दांतों के लिए भी अच्छा है। नंबर तीन, पाचन को सुधारता है। दोस्तों, तरबूज में डाइट्री फाइबर पाया जाता है। फाइबर होने की वजह से ये पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक रखता है। पेट में दर्द, कब्ज, उल्टी, पेट फूलना जैसी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। गर्मियों के मौसम में जिन बच्चों का अक्सर पेट खराब रहता है, उन्हें तरबूज का सेवन करने की सलाह दी जाती है। नंबर चार, हार्ट को हेल्दी रखता है। दोस्तों, आज के दौर जहाँ छोटे बच्चों को भी हार्ट जैसी प्रॉब्लम का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में उन्हें तरबूज खिलाना बेहद ही फायदेमंद है। तरबूज में लाइकोपिन नामक तत्व पाया जाता है। लाइकोपिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये छोटे बच्चों को हेल्दी रखने की भूमिका निभाता है। नंबर पाँच, इम्यूनिटी को करता है स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, तरबूज में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तरबूज पर हुई कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इसका सेवन करने से रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है और नर्व सिस्टम यानी कि तांत्रिका तत्व का विकास और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने में हेल्प मिलती है। नंबर छह, बच्चे किस उम्र से खा सकते हैं तरबूज। दोस्तों, बच्चों को 6 महीने की उम्र से ठोस आहार देने की शुरुआत की जाती है। ऐसे में आप 6 महीने के बच्चे को भी तरबूज खिला सकते हैं। छोटे बच्चे को तरबूज देते समय ध्यान रखें कि इसके बीज उसमें ना हो। बीज निकालकर आप अपने बच्चे को इसका सेवन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप तरबूज को मैश करके या प्यूरी बनाकर भी बच्चों की डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।